संजय सिंह भुईहार बिरादरी के हैं, यानी कि मेरे वो रिश्तेदार नहीं है। आनन फानन में पुरानी कमेटी को एक निर्णय लेना पड़ा, अंडर 15 और 20, क्योंकि 31 दिसंबर को इनका ये सत्र समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगर ये टूर्नामेंट होता है तो उनका एक साल खराब हो जाएगा। इसलिए सारी फेडरेशनों ने मिलकर ये फैसला लिया कि किसी तरीके से खेल का एक वातावरण शुरू हो, और नंदिनी नगर में इसलिए रखा गया क्योंकि हर फेडरेशन के लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया कि 4-5 दिन के अंदर हम कोई व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। उस मीटिंग में एक तरीके से मेरे विदाई का जैसे परंपरा होती है, कोई अध्यक्ष रहता है और तो उसको एक तरीके से जब वो छोड़ता है अपना कार्यकाल तो एक विदाई समझ लीजिए और 2-4 शब्द बोलना पड़ता है। तो इस नाते मैं भी वहां पर गया था, और ये बच्चों का, 15 साल के बच्चों का और 20 साल के बच्चों का साल खराब ना जाए और खेल का वातावरण फिर से शुरू हो, इसलिए नंदिनी नगर में इसे कराने का फैसला आम सहमति से लिया गया। 25 के 25 फेडरेशनों ने अपनी लिखित और मौखिक दोनों सहमति दे रखी है। खैर, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। और मैंने 12 साल तक कुश्ती की के लिए काम किया, अच्छा किया या गलत किया इसका मूल्यांकन समय करेगा, और एक तरीके से कुश्ती खेल से मैं संन्यास ले चुका हूं, मतलब कुश्ती से मैं अपना नाता तोड़ चुका हूं। अब जो भी फैसला लेना है, सरकार से बात करना है या कानूनी प्रक्रिया को अडॉप्ट करना है, ये चुने हुए जो फेडरेशन के लोग हैं वो अपना फैसला लेंगे। मैंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है, मेरा लोकसभा का चुनाव आ रहा है और भी मेरे पास बहुत काम है, तो अब जो भी कहना होगा, सरकार से बात करनी होगी या कोर्ट में जाना होगा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब ये नई फेडरेशन करेगी। सर, सवाल पूछो। एक एक करके सवाल, एक बार। सर, 11 महीने से पूरा खेल बंद हुआ पड़ा था, 31 दिसंबर के बाद अगर ये टूर्नामेंट आप लोग कराते तो एक साल युवाओं की बर्बाद होती, ये आपने कहा है। लेकिन सर, सवाल ये उठ रहे हैं कि नंदिनी नगर में कराया और साक्षी ने सबसे पहले ट्वीट करके ये कहा कि वहां पर अभी भी मैं सरकार से निवेदन करूंगा और खेल मंत्रालय से, विशेषकर खेल मंत्रालय से निवेदन करूंगा कि हो सके तो इस टूर्नामेंट को करा लें, अपने देखरेख में करा लें, दिल्ली में करा लें, जिससे बच्चों का एक साल बर्बाद ना हो। तो कह रहे नियमों की अनदेखी की गई, वो उस पर क्या कहना है, इसलिए सस्पेंड किया? वो पूरी बात मैंने बता दी। सर, जेपी नड्डा जी से क्या बात, क्या मुलाकात हुई, क्यों गए थे मिलने आप, उन्होंने बुलाया था या आप खुद गए थे? देखिए, वो मेरे नेता हैं, हम उनसे मिलेंगे, मिलते रहेंगे, लेकिन इस संबंध में मेरी कोई बात नहीं हुई। सर, कुछ पोस्टर्स बाहर लगे हुए थे, दबदबा है, दबदबा पहले था वहीं रहेगा, भगवान ने दे रखा है, इन पोस्टर्स को भी हटा दिया गया इस फैसले के बाद? हाँ, लगा कि ये अच्छा नहीं है, थोड़ा इसमें घमंड की बू आ रही है, इसलिए। आपको खुद को ऐसा लगा? लोगों ने कहा और मुझको भी बाद में लगा, ये पोस्टर मैंने नहीं लगाए थे, कुछ समर्थकों ने लगाए थे, तो मुझको लगा कि इसमें थोड़ा अहंकार की बू आ रही है, इसलिए पोस्टर को मैंने हटवा दिया। सिंह साहब, 27 जुलाई
को कहा जा रहा है कि आपने मानसून सत्र के दौरान ये कहा कि ये जो भी चल रहा है रेसलर्स और फेडरेशन के बीच में, इससे आप दुखी हैं और आप एमपी के पोजीशन से भी रिजाइन करना चाहते हैं, और फिर आलाकमान ने आपको रोका कि आप रिजाइन नहीं करिए। क्या कैसरगंज सीट से 27 जुलाई को आपने इस्तीफे की पेशकश की थी? नहीं, गलत सूचना है, ये गलत सूचना है। आपने ऐसा जो भी नहीं, ये गलत सूचना है। मैं लगातार अपने नेताओं के संपर्क में रहता हूं, हर पार्टी मीटिंग को अटेंड करता हूं, मोदी जी को भी नमस्ते करता हूं, अमित शाह जी से भी भेंट करता हूं, नड्डा जी से भेंट करता हूं। ऐसा कोई फैसला मैंने नहीं लिया। सर, एक सवाल है, अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं आप आज मिनिस्टर से? देखिए, वो मेरे नेता हैं, मेरे एक काम तो है नहीं, चुनाव आने वाले हैं, मैं कभी भी किसी से मिल सकता हूं। तो सर, एक सवाल है, रेल मंत्री से भी मुलाकात की है? नहीं, इस सब घटना को लेकर नहीं। तो अगर कोई बात होगी उनके स्तर की कोई बात होगी, देखिए मैंने आपको बता दिया कि मैं कुश्ती से 21 दिसंबर को ही अपना नाता तोड़ चुका हूं। तो सर, आने वाले समय में जो सर जो हो रही है रीजनिंग दी गई, कोई भूमिका नहीं होगी है जो भी होने वाला है, चाहे कानूनी। देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार की ही इच्छा पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव संपन्न हुआ, पूरी बॉडी बन गई है, पूरे के पूरे मेंबर चुने जा चुके हैं। अब उनको सरकार से बात करना है या उनको कहीं कानूनी सलाह लेना है तो ये मेरा काम नहीं है, मेरे पास बहुत काम है। सर, हमने ये मेरा काम नहीं है। ब्रजभूषण जी, जो लेटर आया उसमें कहा गया है कि WFI का ऑफिस वही है जो जहां पर जिस शिकायत की गई थी, यौन शोषण हुआ वहीं पे फेडरेशन काम कर रही है, तो क्या ऑफिस बदलेंगे? मैं नए पदाधिकारियों से चाहूंगा कि वो अपने ऑफिस की व्यवस्था कर लें, और जब उनके ऑफिस की व्यवस्था हो जाए तो अपना ऑफिस नए स्थान पर ले। सर, शुरुआती दौर से ही ये चल रही है खबर कि संजय सिंह आपके बहुत ही करीबी हैं। देखिए, करीबी तो आप भी मेरे हैं, संजय सिंह भुइयार हैं, और मैं राजपूत हूं, छत्री हूं, तो संबंध हो सकता है, दोस्ती हो सकती है, कुश्ती से जुड़े हैं वो 15 साल से, तो कुश्ती में कौन ऐसा है जिससे मेरी जान पहचान नहीं होगी या मेरे संबंध नहीं होंगे? आपके दबदबे पर क्या असर पड़ेगा जो आपका दावा? देखिए, जो आई वो गई, अब मुझे आगे देखना है। भविष्य में कभी कुश्ती संघ का चुनाव नहीं लड़ेगा? कुश्ती संघ का चुनाव तो नहीं लड़ेंगे? कभी नहीं। आपने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से सब कुछ हुआ चुनाव, फिर सरकार ने इसे निलंबित क्यों कर दिया? उसका ये मेरा जवाब नहीं, मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ। एक सवाल हमने आपसे गोंडा में भी पूछा था, 2024 के चुनाव अब 100 दिनों के अंदर हैं, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह कैसरगंज सीट से ही लड़ेंगे लोकसभा चुनाव? ये बातें हो रही थी कि आप शायद अयोध्या जा सकते हैं या किसी और सीट से लड़ सकते हैं, कैसरगंज से आप नहीं लड़ेंगे अगला चुनाव? देखिए, कैसरगंज, वैसे तो मैं 2 बार गोंडा से रह चुका हूं, मेरी पत्नी भी गोंडा से सांसद रह चुकी है, फिर बलरामपुर से भी हम सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार हम कैसरगंज से सांसद हैं। लेकिन ये हमारा गृह क्षेत्र जो है, हमारा गांव या हमारा घर, पहली बार कैसरगंज लोकसभा में है 3 चुनाव से, तो हमारी तो प्राथमिकता यही है कि हम अपने घर से लड़ें, और बाकी पार्टी की इच्छा। अनुराग ठाकुर से बातचीत हुई, क्योंकि पहलवान मेरा रोल ही नहीं है, मेरा रोल समाप्त हो गया चुका है, मेरा रोल समाप्त हो चुका है, मेरा कोई रोल नहीं है। आज के इस फैसले से आपकी सेहत पर क्या असर पड़ता है? आज का जो फैसला है उससे ब्रजभूषण पर क्या असर पड़ता है? देखिए, आपके सामने बैठा हूँ, आप लोग इंतजार कर रहे थे, हमने तुरंत आपसे कहा कि आप अलग अलग पूछने के बजाय आप एक साथ आइए, मैंने आपको एक साथ बुलाया। अब आपको अगर कुछ लग रहा हो कि मैं बहुत नर्वस हूं और बहुत या इसको लेकर के टेंशन में हूं, मैं क्यों हूं टेंशन में? जब तक मैं अध्यक्ष था तब तक था, चुनाव हो गया,
सर एक सवाल है, मेरा बजरंग पुनिया ने कहा कि वो इसलिए दुखी है क्योंकि वो महिलाओं को न्याय नहीं दिला पाए। मैंने उनसे सवाल किया सर कि आपका टारगेट यौन शोषण के मामले में न्याय होना है या फिर अध्यक्ष पद है, तो उन्होंने कहा कि हमारा टारगेट दोनों में है, हम इसी बात से दुखी है कि एक तो मामला चल रहा है इधर अध्यक्ष पे कब्जा एक तरीके से ब्रजभूषण जी का। देखिए यौन शोषण, यौन शोषण का जो प्रकरण है वो अदालत में विचाराधीन है जी, इस पर उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है, और व्यक्तिगत मुझको क्या कहता है, कोई क्या कहता है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। 11 महीना से गरिया रहे हैं, जो नहीं कहना चाहिए वो भी कह रहे हैं, उनको मुबारक, आपको अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं, आपको लगता है पॉलिटिक्स हो रही है? यौन शोषण के मामले में इस जनवरी में बैठे थे मुझे याद है, और आज जाके अध्यक्ष पर पूरा मामला। देखिए ये फर्स्ट से भी मिले थे सर, देखिए ये फर्स्ट डे से ही इसमें राजनीति है जी। अब आप देखिए कि कौन इसमें शामिल नहीं हुआ, कांग्रेस भी शामिल हुई, टुकड़े टुकड़े गैंग भी शामिल हुई, आम आदमी पार्टी भी शामिल हुई, तमाम लोग हैं, क्या क्या करें, हम तो अपना झेल रहे हैं। सर साक्षी मलिक पर क्या बोलेंगे, उन्होंने संन्यास लेने की भी बात की है। तो हमने भी संन्यास ले लिया, खत्म बात, उन्होंने संन्यास लिया, हमने भी संन्यास ले लिया, खत्म बात। अध्यक्ष रहे हैं आपके आखिरी के 11 महीने जो आप अभी कह रहे हैं, इसमें ऐसा क्या हुआ, आप जब आप अध्यक्ष नहीं है आपको क्या लगता है ऐसा क्या? देखिए वो सब बातें कई बार मीडिया के संज्ञान में आ चुकी है, देश के संज्ञान में आ चुकी है, उन बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं है। ये बात मीडिया बंधु नहीं कह रहे हैं, आप जो है हमेशा अभी कोई ऐसा सवाल चुभता हुआ करेंगे, क्योंकि आपको पढ़ा करके भेजा जाता है, आपको विशेष करके जितने लोग बैठे हैं उसमें आप अकेले हैं जो हमेशा उकसाने का काम करते हैं। बिल्कुल नहीं सर, मैं इतना कह रहा हूं, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट है कि जो पुरानी बॉडी है उसका कहीं ना कहीं कंट्रोल है आपके पास। मैं नहीं कह रहा हूँ सर, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कह रही है। देखिए अब जो कुछ कहना है वो नई बॉडी कहेगी, हमने आप ये मान करके खुशी खुशी मेरे पास भाई और बहुत काम है मेरे पास, अब मैं अपना काम करूंगा, अपना चुनाव देखूंगा। कुश्ती को लेकर पार्टी आला कमान से मोदी जी ने, अमित शाह जी ने कोई इंस्ट्रक्शन दी है? नहीं कोई। भूषण जी आप बात ठीक है, इतने लंबे समय से आप जुड़े रहे, आपको बहुत तजुर्बा है, अनुभव है, ये बात ठीक है कि नई बॉडी करेगी, आपको क्या लगता है कि ये निलंबन अगर सब कुछ नियम कानून से हुआ क्यों हुआ? आप तो भी कुछ सोचते हो भाई, एक व्यक्तिगत राय आपकी क्या, निलंबन होना? अब इस पर मैं व्यक्तिगत सवाल का जवाब तो नहीं, तो अगर मुझे बताया गया तो मैंने अपनी स्थिति साफ कर दी। नंदनी नगर में क्यों चुना गया, क्योंकि 4 दिन के अंदर कोई करा नहीं सकता, नंदनी नगर में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है और वहां भी रेसलिंग एकेडमी चलती है, पहला कारण तो वो हो गया। दूसरा 31 दिसंबर के बाद ये टूर्नामेंट हो नहीं सकता, और देश के 2500 के 2500 फेडरेशन ने हाथ खड़ा कर दिया कि इतना जल्दी हम व्यवस्था नहीं दे सकते। अब अगर ये इसका कोई गलत मतलब निकाला गया हो तो इसके लिए आप लोग इंस्ट्रक्शन देना बंद करिए, आप लोग भी देते हैं, सब लोग देते हैं, इंस्ट्रक्शन देना मत करिए मीडिया वालों को, तो दुश्मन इसमें नहीं है, पूछने दीजिए जितना पूछ रहा है। तो मेरा रोल समाप्त, आपके लिए समाचार समाप्त, उनका भी संन्यास, मेरा भी संन्यास। 11 से 12 साल आपने कुश्ती को दिए, 2024 में भी आपके कहीं लोग आते होंगे, खासतौर पे यूपी से, जो पहलवान बनने की कोशिश करते होंगे छोटे। अब उनके लिए तो काम करता रहूंगा, अब एकेडमी हम चला रहे हैं, एकेडमी में मेरे 100-150 बच्चे हैं, और मैं खुद जो है कुश्ती खेला हूँ, और कुश्ती के बदौलत यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे भी कान टूटे हैं, जबकि मैं बड़ा पहलवान नहीं था, मेरे पिताजी भी कुश्ती लड़ते थे, मेरे बाबा भी कुश्ती लड़ते थे। पहले ये गांव में ये जिम नहीं होता था, गांव में हर आदमी जो है शौक से अखाड़े पर जाया करता था, भी गए। तो अब कहिए कि हम अपनी एकेडमी बंद कर देंगे, नहीं, लेकिन अब ये जो मतलब आप कह सकते हैं संघ की राजनीति है, और खुशी खुशी किसी दुख के साथ नहीं, चुनाव हो गया भाई,
अध्यक्ष चुन लिए गए, सेक्रेटरी चुन लिए गए, वाइस प्रेसिडेंट चुन लिए गए, पूरी बॉडी चुन ली गई, अब संभालें वो। तो रद्द करने पर नाराज है आप? अरे हम काहे नाराज होंगे। अच्छा भूषण जी, नड्डा इससे कुछ चुनावी बात हुई होगी, वही बताइए ना है? कुछ चुनावी बात हुई हो, क्या चर्चा हुई ऐसे समय में? आप जाना सर, आप अयोध्या जाएंगे क्या अभी? अयोध्या तो कल गए थे। अयोध्या में मेरा घर है भाई। सर एक मेरा घर जो है अयोध्या विकास क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। सर एक सवाल है मेरा, क्योंकि आप कुश्ती से आपका काफी पुराना रिश्ता है और आप पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, ऐसे में बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री वापस देखिए उनका रिएक्शन आता? नहीं नहीं, अब जो मुझे इतना गाली देता हो मैं उस पर क्या रिएक्शन दूं, उनको क्या सलाह दूं, वो उनका निर्णय है, उसमें हम उनको कोई सलाह नहीं दे सकते। सड़क पर छोड़कर आगे पद्मश्री, अब ये मेरा विषय नहीं है। आपको दुख हुआ वो देखिए? देश ने सम्मान किया था उनको, अब ये उन्हीं से पूछिए, हमारा विषय नहीं। ऐसा कहा जा रहा है भूषण जी की ये नया फ्रंट खुल जाता है, विरोध प्रदर्शन हो रहा था, साक्षी मलिक का इस्तीफा, और तो उससे सरकार को असर पड़ रहा था, इसलिए ये कदम लिया गया, अब ये हम नहीं बता सकते, ये हमारा विषय नहीं। सर 2024 के चुनाव अब आने वाले हैं, एक तरीके से इंडिया ब्लॉक जो है वो एक बीजेपी के खिलाफ एक खड़ा करने के लिए है कि शायद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़े, कैसे आप देखते हैं अपने क्षेत्र के चुनाव को जो आपका पूरा गोंडा? और देखिए आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में भारी बहुमत के साथ बनेगी, और अभी 20 साल इस देश की राजनीति मोदी जी के हिसाब से होगी, मोदी जी जो चाहेंगे वो होगा। आज के तारीख में अपोजिशन में मुझे कोई नहीं दिखाई पड़ता है, कम से कम 20 साल अभी मोदी जी ही इस देश के नेता रहेंगे। सर एक सवाल आया पार्टी की तरफ से, क्या आपको पीछे हटने के लिए कहा गया? क्योंकि कल तक आप कह रहे थे कि भाई दबदबा है कायम रहेगा, आज आप कह रहे मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं इस्तीफा देता हूँ, क्या पार्टी की? अरे भाई आप रेस में आ गए मालिक। अरे भैया परसों जब चुनाव हो गया तो दबदबा है कि नहीं है वो साबित हो गया, काम खत्म हो गया, अब मैं रिटायर हो गया, अपने घर चला। सर साक्षी मलिक क्यों किसी खिलाड़ी का नाम हमसे लेते हैं? हमें क्या लेना देना है भाई, कौन क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा नहीं कि हमारी जीत हुई है। सर जो अवार्ड वापसी की खिलाड़ियों ने, उसको देख के आपको कैसा लगा? अरे भैया हम कहेंगे तो उस पर विवाद हो जाएगा, मेरे से ना करवाइए। सर पीएम के उम्मीदवार इंडिया ब्लॉक से होंगे तो आप मानते हैं फर्क पड़ेगा? हिंदी बेंच में वो दलित है, कौन नेता है? मल्लिकार्जुन खड़गे। 20 साल इस देश की राजनीति मोदी जी के हिसाब से होगी, 20 साल, और वे नहीं, अहंकार पूर्वक नहीं कह रहा हूं, इस देश की जनता मोदी जी को अभी छोड़ने वाली नहीं है। सर सर सपा जा साक्षी मलिक जी से प्रियंका वाड्रा से मिल रही है, सर कैसे देखते हैं इसे? सर अब देखिए हमारी बातचीत पूरी। सर अंतिम, मायावती को कांग्रेस पार्टी ने, यूपी कांग्रेस ने कहा है आलाकमान से कि वो चाहते हैं यूपी में सपा की जगह बसपा। यार हम इतने बड़े नेता नहीं है, जो एक लोकसभा सांसद हैं, हम इतनी बड़ी बड़ी रणनीति नहीं करते प्लीज। थैंक यू।